एक गांव में चिंटू और पिंकी नाम के भाई बहन अपने माता पिता तुलसी और नकुल के साथ रहते थे। गांव तालाब के किनारे था, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में वहां अक्सर मच्छर की समस्या हो जाती थी, जिससे निपटने के लिए नकुल एक मच्छर मारने वाला रैकेट ले आता है। दोनों बच्चे रैकेट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, क्या रैकेट लेकर आए हो, इससे मच्छर मारने में तो मजा आ जाएगा। हाँ भैया, देखो ना, चिट चिट की आवाज भी आ रही है जब हम मच्छर मार रहे हैं। दोनों को रैकेट से खेलते देख नकुल हंसने लगता है और बोलता है, देखो तुलसी, दोनों बच्चों को इन्होंने तो इस रैकेट का खेल मना लिया। लगता है आज घर के अलावा पूरे मोहल्ले के मच्छर मार डालेंगे। तुलसी नकुल पर गुस्सा होते हुए बोलती है, आप भी ना कुछ ले आते हो और मेरी जान को आफत में डालते हो। जब से ये मच्छर भगाने वाला रैकेट लेकर आए हो, ये दोनों कुछ खा नहीं रहे, बस खेले जा रहे। तुलसी, नकुल और दोनों बच्चे इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें छत से बैठकर देख रहा है। दरअसल नकुल जब से मच्छर मारने वाला रैकेट लेकर आता है, उसे उसकी छत पर बैठी चुड़ैल देख लेती है। अरे वाह, ये रैकेट तो कमाल का है, मैं भी इसी जैसा रैकेट बना लेती हूँ और उससे इंसानों का शिकार करूंगी। मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से एक बड़ा सा मच्छर मारने वाला रैकेट बनाकर गांव से आने जाने वाले रास्ते में बनाकर खड़ा कर देती है और अपने शिकार का इंतजार करने लगती है। अरे क्या हुआ, कहीं गांव वालों को मेरी योजना का पता तो नहीं चल गया, इतनी देर हो गई कोई भी शिकार नहीं आया। तभी वहां से एक शराबी जिसका नाम पुत्तन होता है, अपने दोस्त नथू के साथ वहां से गुजरता है। पुत्तन रास्ते में रैकेट देखकर रुक जाता है और बोलता है, अरे ये का है भाई, इतना बड़ा बिजली का खंबा कौन रख दिया। अच्छा हुआ हमारे गांव के कुत्तों ने नहीं देखा, नहीं तो इसे पूरा गीला कर देते। तभी कहा है भैया, आपसे न दारू झेली नहीं जाती, समझे। अरे ये बिजली का खंबा नहीं है, ये तो कोई गिटार है। रुको, हम अभी तुमको कर्ज फिल्म की धुन सुनाते हैं। ऐसा कहकर नथु उस रैकेट की तारों को छू लेता है, लेकिन जैसे ही तारों को छूता है वो रैकेट से चिपक जाता है और थोड़ी ही देर में करंट लगने से मर जाता है। ये देखकर पुत्तन घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे गांव वालों, अरे कोई बचाओ, देखो इस बिजली के खंभे से करंट निकल रहा है और नथू को मार रहा है। अरे दरवाजा खोलो और कोई बचाओ। पुत्तन की आवाज सुनकर पासी के घर में रामू और उसकी पत्नी कम्मो उठ जाते हैं। रामू कम्मो से बोलता है, अरे कम्मो, यह तो पुत्तन की आवाज लग रही है, लगता है वो किसी संकट में है। रामू की बात सुनकर कम्मो बोलती है, आप भी ना किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, अरे वो शराबी है, ज्यादा चढ़ गई होगी, चलो अब चुपचाप सो जाओ। कम्मो की बात सुनकर रामू भी सो जाता है। उधर पुत्तन चिल्लाता हुआ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब पुत्तन को होश आता है, वो सरपंच के पास जाता है और बोलता है, अरे सरपंच जी, गजब हो गया गजब, कल रात हमने बहुत विशाल खम्बा देखा जो तारों से बांधा था, और जैसे ही मेरा दोस्त नत्थू खम्बे के पास गया, उस खम्बे ने उसे अपने पास खींच लिया और वो मर गया। नत्थू मर गया, लगता है तुम दिन में भी पीने लगे हो पुत्तन। और अगर तुम्हारा दोस्त नथू मर गया है तो फिर ये कौन है। जैसे ही सरपंच अपनी बात पूरी करता है, नथू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नथू हंसने लगता है और बोलता है, पुत्तन भैया, हम रात में ही तुमको बोले थे कि ज्यादा मत पिया करो, कल रात को हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही हमें छोड़कर भागने लगे थे। क्या बकवास कर रहे हो नथू, मैंने अपनी आँखों से देखा था तुम्हें जाल जैसी चीज ने पकड़ लिया था और तुम उसमें चिपक गए थे, फिर मर गए। तब तक कुछ और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और पुत्तन की बात सुनकर हंसते हुए बोलते, क्या पुत्तन भैया, अरे भैया
जाल जैसी चीज क्या होता है हुँ? तुम भी ना झूठ बोल रहे हो। सीधा बोलो ना, किसी औरत ने इस नथुआ को पकड़ लिया था और फिर भी ये बचकर आ गया। ठीक है, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई गाँव के सामने ला कर रहूंगा। ऐसा कहकर पुत्तन वहाँ से चला जाता है। उधर उसी रात फिर से गांव में वही विशाल रैकेट फिर से आ जाता है और गांव वाले उस रैकेट से चिपक जाते हैं और करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन गांव वालों को उनकी लाश मिलती है। फिर गांव वाले उन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद तो मानो हर रोज गांव में लाशें मिलना आम बात हो गई थी। वाह, इस रैकेट से इंसानों को मच्छर की तरह मारने में बड़ा ही मजा आ रहा है। जब वो पट पट करके जलते हैं तो इस कलेजे में बड़ा सुकून मिलता है। एक रात रामू खेतों में काम करने के लिए घर से निकलता है, तभी कम्मो उसे कहती है, अजी आपका जाना जरूरी है क्या? देखो ना गांव में कितना बुरा माहौल चल रहा है। कम्मो की बात सुनकर रामू हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना कम्मो, इतना घबराने कब से लगी? अरे हम किसान हैं, किसान खेतों में काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ। ऐसा कहकर रामू अपने घर से खेतों की ओर जाता है। तभी रामू को खेतों में एक जाल सा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। रामू जाल के पास पहुंचकर सोचता है, अरे ये तो मच्छर मारने वाला रैकेट लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये किसने रखा खेत में? रामू ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, ये मैंने रखा है रामू, क्योंकि इससे मैं तुम्हारी जान लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ रैकेट घुमाती है, लेकिन रामू बच जाता है और भागने लगता है। लेकिन बेचारा रामू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। भला अपनी मौत से भी कोई भाग पाया है रामू आज तक? आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ रैकेट चलाती है। रामू उस रैकेट में फंस कर जलने लगता है और रैकेट के तार को जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से तार का टुकड़ा उसके हाथों में रह जाता है। अगली सुबह उसकी लाश गाँव वालों को मिलती है। कम्मो भी वहाँ आ जाती है। हाय मेरा, हाय हाय, मर गई रे मेरे पति, इन्हें कहा था मैंने कि खेतों में मत जा। तभी दीनू की नजर रामू के जले हुए हाथ पर पड़ती है। उसके हाथों में तार के टुकड़ों को देखकर दीनू बोलता है, इसके हाथों में तो तार का टुकड़ा है, जैसे मच्छर मारने वाले रैकेट में होता है। इसका मतलब अपना पुत्तन शराबी सही कर रहा था। सरपंच भी डर के मारे सच बताने लगता है। सरपंच गांव वालों को पूरी मदद करने का भरोसा देता है। फिर गांव वाले मिलकर योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार सरपंच रात में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल मैं अब तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे रैकेट में अब कोई जान नहीं है, उससे इंसान तो क्या मच्छर भी नहीं मरेगा। मेरे रैकेट में जान नहीं है, क्या बोल रहा है सरपंच? जा जरा उस रैकेट को छू कर तो देख, पता चल जाएगा मेरी ताकत का। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच जाकर रैकेट की बैटरी निकाल देता है। तेरे रैकेट में सचमुच कोई जान नहीं है चुड़ैल, क्योंकि मैंने इसकी बैटरी निकाल दी, अब कुछ नहीं हो सकता। सरपंच वो बैटरी मुझे दे दे, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारूंगी तुझे। चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ दीनू और गांव वाले आ जाते हैं। दीनू के हाथों में त्रिशूल होता है। वो चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल तूने गांव वालों को बिजली का करंट लगा कर मारा है, अब मैं तुझे इस दुनिया का सबसे तेज करंट देता हूँ, देखता हूँ तू झेल पाएगी या नहीं, ये ले। ऐसा कहकर दीनू चुड़ैल के सीने में त्रिशूल मार देता है और चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है।